हाय दोस्तों नमस्कार जो है आप। चलिए हम लोग के तरफ तीन दिन से बारिश हो रहा है, भारी बारिश। तो आज नदी में आया है बाढ़। तो चलिए हम आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो नदी में है जिधर हम वीडियो बनाते हैं ना, उधर से कितना बाढ़ आया है। अभी थोड़ा सा मौसम साफ किया है और हम निकले हुए हैं कि दिखाते हैं अपने दोस्तों लोगों के कि हमारा गाँव के नदी में कितना बाढ़ आता है। तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, फिर भी चलिए देखते हैं हम भी आप लोग के साथ में। तो हम बात करते करते लगभग में पहुंच ही गए हैं, आगे देखा। ये देखिए यहाँ पर है दोस्तों, ये देखिए पूरा नदी के पानी है। ये देखिए उधर से आ रहा है पूरा, इधर से उतना फिर भी खास ज़्यादा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर पूरा भरा है, लबालब जा रहा है। तो और आप लोग के हम चैनल देखें, चलिए देखिए लीजिए इधर से दिखाते हैं। वहाँ देखिए इधर से पानी आ रहा है, यहाँ देखिए पूरा भरा हुआ है। पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं आप लोग के लिए, ऐसे एक बार गर्मी में था उसको यहाँ पर देखिए, वहाँ देखिए बाढ़ से भरा। तो चलिए यहाँ पर छलटा वाला सीन दिखाते हैं। यहाँ देखिए ओवर पानी हो गया ना, भाव इसमें 26 हुआ है, 26 भाव में प्रवेश करते हुए भी एक्स्ट्रा पानी इसलिए ऊपर से जा रहा है। कुछ लोग कपड़ा धो रहे हैं, कुछ लोग मछली मार रहे हैं। ये देखिए उधर भाग रहा है, फिर भी उतना नहीं है जितना पहले आता था। ये देखिए दोस्तों अभी नीचे से नहीं दिखा पा रहे थे, इसीलिए हम आ गए ऊपर, ऊपर से ही आप लोग के दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ऊपर में भी ऐसा है ना चलता में कि यहाँ पर तालाब बन गया है। इंजीनियर भी कैसे कैसे लोग होते हैं, बना दिया पूरा ढह गया। अरे देखिए पानी सीधा निकल रहा है यहाँ से, एकदम बह रहा है। देखिए ऊपर से आ रहा था और आगे दिखा रहे थे नीचे वाला। ये देखिए कितना पानी आ रहा है, सब पानी एकदम जाता है मलई डैम। ये नदी के भी नाम है मलई नदी और इसका सतबरवा में एक बड़ा सा डैम बना हुआ है। तो दोस्तों वहीं पर ही पानी जाता है, देख रहे इतना पानी जा रहा है। पिछले बार गए थे तो एकदम पूरा सूखा हुआ पानी था। देखिए कितना बढ़िया पानी जा रहा है, सब सारा पानी जा करके वहीं पर समाएगा। पलामू ज़िला में होता है सतबरवा और वहाँ से फिर नहर खुलता है, तो पलामू के लोगों को फ़ायदा बढ़िया होता है, एकदम लेसड़ीगंज तक उधर तक जाता है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये डायरेक्ट जाता है यहाँ का पानी कठौतिया डैम में। और वहाँ पर भी पहले हम बताए थे कठौतिया डैम, ये देखिए यहाँ पर ये डैम लगभग बना है 1985-86 में। और यहाँ पर साला तीन नदी है, इधर से हम लोग तरफ से जाता है, तीनों नदी का पानी इसी में जा कर के समाता है। लेकिन पूरा सूखा सूखा है और इस तरह का यहाँ का नज़ारा है। तो पिछला बार गए थे इसलिए तो ये वीडियो लिए थे। यहाँ देखिए अभी जितना जो पानी जा रहा है तो इसमें ऊपर तक आएगा और इसके बाद फाटक खुलेगा तो फ़ायदा मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर रहा बच्चे लोग भी पानी के आनंद लेने के लिए, ऊपर से नहीं नीचे से जा रहे हैं, कहीं धोखा होगा तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इस तरह का पानी भी नहीं जा रहा है। अब हमारा नदी का जो सीन था ये देखिए, बच्चे लोग भी हैं इधर, हम भी थे आनंद ले रहे थे और कुछ आप लोग को दिखा देना चाह रहे थे कि हमारा गांव में कैसे कैसे होता है।